सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। होली त्योहार के चलते परिवहन विभाग ने यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में हजारों अतिरिक्त बसों की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है और राजधानी लखनऊ में भी 300 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई, जिसके चलते कैसरबाग बस अड्डे पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने अतिरिक्त बसों का जायजा लिया। होली के त्यौहार के चलते लखनऊ के कैसरबाग डिपो पर हम यहाँ देखने पहुँचे हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर परिवहन विभाग ने कर रखी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो यात्री हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और अपने घर जाने के लिए बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल परिवहन विभाग ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अतिरिक्त बसों को सारे बस स्टेशनों पर लगाया गया है। जो बस स्टेशन है वो उसमें करीब 250 अतिरिक्त बसों का, जो ऑर्डनरी बसें हैं 250 अतिरिक्त बसों को लगाया गया है और 50 एसी बसों को लगाया गया है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए कि यहाँ के ARM मौजूद हैं, हमसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएं हैं बसों को लेकर के जो यात्री होली में अपने घर को जा रहे हैं। सर, ये कैसरबाग बस अड्डा, मैं ARM बोल रहा हूँ कैसरबाग बस स्टेशन का। सर, हमारे यहाँ से करीब 250 गाड़ियों का केवल इस बस अड्डे से प्लान है और 50 AC गाड़ियाँ हैं और हम लोगों ने आज बाहर की गाड़ियाँ, करीब 50 बाहर की गाड़ियाँ अतिरिक्त सवारी लेके आई थी, वो गई और करीब अब तक हमने 80 गाड़ी अतिरिक्त भेज चुके हैं, जिसमें बहराइच, गोंडा और दिल्ली मार्ग की हैं। तो अभी कौन कौन से मार्ग पर यहाँ से जो आपके बस सेवा है, किस किस मार्ग के लिए बस सेवाएँ हैं यहाँ पर? नहीं, अभी तो हमें हर जगह के लिए बसें हमारी उपलब्ध हैं। गोंडा हैं, बलरामपुर हैं, गोरखपुर भी है और बहराइच भी लगी हुई है, उतरौला लगी हुई है, रुपईडिया नानपारा और दिल्ली की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, ये सब गाड़ियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। क्योंकि पश्चिमांचल को जाने वाले यात्री कम मिल रहे हैं, उधर से आने वाले ज़्यादा मिल रहे हैं। ये ARM थे कैसरबाग डिपो, यहाँ पर ये बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, यात्रियों को जाने के लिए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हमारे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि बसें लगी हुई हैं यहाँ पर, पूरी तरीके से परिवहन विभाग ने व्यवस्था कर रखी है और यात्री अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए बसों को अपने अपनी बसों में बैठ रहे हैं और वो अपने घर को जाने के लिए यहाँ पर कैसरबाग डिपो पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से जो व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा की गई है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त व्यवस्था की गई है, बसों की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। पूरे कैसरबाग बस स्टेशन पर आप देखेंगे तो यात्री तो हैं ही, यात्री के अलावा बसें भी लगातार यहाँ पर खड़ी आपको दिख जाएंगी। फिलहाल जिस तरीके से होली को लेकर के अब इन बसों का इंतज़ाम परिवहन विभाग द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधा का लाभ मिल रहा है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।